sir, may I come? Aye, aye. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. आपका एकेडमी का कार्ड बता रहा है, आप ज्योग्राफी के अच्छे स्टूडेंट हैं सर। जी सर। और अच्छा भी है एकेडमी का कार्ड आपका, आपने जेएनयू से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। सर जेएनयू से एमए किया ज्योग्राफी में। जेएनयू से एमए किया है ज्योग्राफी में। हाँ बिल्कुल। चलिए चीज़ें तो हम लोग को पता है, आप अपना परिचय दीजिए सर। और ध्यान रखिएगा परिचय में नाम, जाति, धर्म, क्षेत्र आदि नहीं बताना है। सर मैं प्रयागराज जिले का निवासी हूँ, मेरी स्कूलिंग टैगोर पब्लिक स्कूल प्रयागराज से हुई है, मैंने ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से किया है, मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय न्यू दिल्ली से हुआ है, वर्तमान में मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ज्योग्राफी विषय में रिसर्च कर रहा हूँ और UPPCS परीक्षा में मेरा तीसरा प्रयास। तीसरा प्रयास? यस सर। मेंस कितना लिख चुके हैं? सर ये मेरा सेकंड मेंस था। ठीक है। ज्योग्राफी विषय ही पढ़ने के बारे में क्यों आपने सोचा? पॉलिटिकल साइंस पढ़ते, फिलोसफी पढ़ते, हिस्ट्री पढ़ते, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते? सर ज्योग्राफी विषय मुझे, मेरी ज्योग्राफी विषय में मेरी कुछ खास रुचि थी क्योंकि सर 12th तक मैंने साइंस पढ़ा हुआ था, तो ज्योग्राफी विषय की कुछ चीज़ें ग्रेजुएशन टाइम में जब मैंने सिलेबस देखा तो मुझे कुछ चीज़ें उसमें साइंटिफिक दिखाई पड़ी, तो मैंने उसमें रुचि लेते हुए ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी विषय लिया। फिर ग्रेजुएशन के दौरान मेरी रुचि और बढ़ी तो पोस्ट ग्रेजुएशन में भी मैंने ज्योग्राफी विषय लेने का सोचा था। हमने इसलिए ये सवाल पूछा कि अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़े होते, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़े होते, फिलासफी पढ़े होते, तो एडमिनिस्ट्रेशन ये विषय ज़्यादा हेल्प करते आती है। यस सर। इसलिए मुझे लगता है कि आपने गोल सेट कर लिया था पहले ही। कब किया था गोल सेट आपने? सर ग्रेजुएशन के टाइम पर। हाँ ग्रेजुएशन के टाइम पर आपने किया था। डिफेंस स्टडीज आपने पढ़ा ही था ग्रेजुएशन में। हमें लगता है कि ये विषय को ज़्यादा मदद आपकी करते हैं, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलासफी, एथिक्स वाला बोर्ड पेपर। जी सर इस विषय में मेरा ये मानना रहा है कि ज्योग्राफी का सिलेबस और ज्योग्राफी की तमाम किताबें और विभिन्न यूनिवर्सिटीज का सिलेबस जब मैंने देखा तो मुझको ये लगा कि ज्योग्राफी विषय का हर विषय से कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा उसके डोमेन में आता है, जैसे कि सर साइंस में भी है, पॉलिटिकल साइंस में भी पॉलिटिकल ज्योग्राफी एक उसका सब डोमेन है, इकोनॉमिक्स का इकोनॉमिक ज्योग्राफी एक सब डोमेन है, तो मुझको लगा कि ज्योग्राफी पढ़ के मुझे हर विषय के बारे में कुछ ना कुछ तो जानने का मौका मिलेगा जो शायद और विषय में उतना संभव नहीं हो पाता। ये क्लेम तो खैर सारे विषय करते हैं, सोशियोलॉजी कहता है सब समाहित है। जी सर ऐसा है, बट ज्योग्राफी के बारे में ये बोला जाता है कि इट इज़ मदर ऑफ ऑल साइंसेज, तो कहीं ना कहीं इसके बारे में ये चीज काफी अच्छी है। अच्छी बात है। तब तो आप डिप्टी कलेक्टर बनने जा रहे हैं? सर मुझे पूरा प्रयास रहेगा कि तो डिप्टी कलेक्टर जब आप बन जाएंगे जी सर, तो ज्योग्राफी से कौन सी हेल्प मिलेगी आपको एडमिनिस्ट्रेशन में? सर ज्योग्राफी विषय एडमिनिस्ट्रेशन में मेरी कई तरह से हेल्प कर सकता है, जैसे कि संसाधनों की जो कमी होती है किसी भी स्थान पर, तो ज्योग्राफी हमको ये सिखाती है कि संसाधनों का उपयोग कितने अच्छे तरह से किया जाए कि उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन निकल के आ सके। दूसरा सर ज्योग्राफी में डेटा आधारित डिसीजन मेकिंग पे काफ़ी फोकस रहता है, तो ज्योग्राफी उस एस्पेक्ट में मुझे एक कलेक्टर के तौर पर या एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर काम आ सकती है। डेटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग अगर ज्योग्राफी सिखाती है तो इसका रोल तो हमें समझ में आता है एडमिनिस्ट्रेशन में सर, कि जो आपने रिसोर्स की बात की है संसाधन जी, मानव संसाधन अगर हम छोड़ दें जी, और बहुत ज्योग्राफी बात करते ही नहीं जी, तो और किस संसाधन डिप्टी कलेक्टर से लेना देना है? सर ज्योग्राफी का एक डोमेन है रीजनल डेवलपमेंट। सर रीजनल डेवलपमेंट में हम किसी एक स्थान को
लेते हैं और वहाँ पे इस चीज़ को ज्ञात करते हैं कि वहाँ पे किस तरह के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, दोनों फिजिकल और ह्यूमन दोनों ही रिसोर्सेज, और उसका किस तरह से सबसे बेहतर उपयोग किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से उस एस्पेक्ट को देखते हुए किसी भी एक स्थान पर अगर हम फोकस करें तो उसके रीजनल डेवलपमेंट में ज्योग्राफी को जिस तरह से उपयोग किया जा सकता है वो शायद एडमिनिस्ट्रेशन में काम आ सकता है। चलिए इन सब के अतिरिक्त जी एक लोक सेवक बनने के मुहाने पर आप खड़े जी सर, तो लोक सेवक में कौन कौन से गुण होने चाहिए सर? कौन कौन से गुण होने चाहिए करेक्टरिस्टिक जी सर? लोक सेवक में कई तरह के गुण होने चाहिए, जैसे कि सेल्फलेसनेस, ऑब्जेक्टिविटी, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, टॉलरेंस, एम्पैथी, और एक सबसे बड़ा गुण जो मैं मानता हूँ वो ये होना चाहिए कि विभिन्न दिशाओं से आने वाले जो राय, जो ज्ञान या जो भी चॉइसेस होती हैं उसको वो एकोमोडेट कर सके और एक बेहतर डिसीजन मेकर हो। चलिए हम मान करके चलते हैं ये सब गुण आपके अंदर जी हैं। आजकल लोक सेवकों के समक्ष चुनौतियाँ भी कम नहीं हैं। बिल्कुल सर, तो कुछ एक चुनौतियों के नाम गिनाइए। सर कुछ एक चुनौतियाँ जो होंगी वो ये हैं कि लोक सेवक क्योंकि जन सामान्य की सेवा के लिए होते हैं, तो जन सामान्य की जो भागीदारी होती है एडमिनिस्ट्रेशन में या अवेयरनेस होती है वो अगर वो किसी स्थान पे कम है या किसी एक जगह पर कम है तो लोक सेवक को समस्या आ सकती है। दूसरी सर करप्शन की समस्या है, अगर लोग किसी लोक सेवक के कलीग्स जो हैं करप्शन में लिप्त हैं तो उसको अपने उसको उस सिस्टम को ऑनेस्ट बनाए रखने में समस्या आ सकती है। और सर अगर कोई स्थान जहाँ पे वो सर्व कर रहा है अगर वो अंडर डेवलप्ड है तो उस स्थान पर पब्लिक पॉलिसीज को अप्लाई करने में दिक्कत आ सकती है। और चुनौतियाँ सर अभी तो मैं ये सोच पा रहा हूँ लोकल लेवल पर सर लोकल ब्लॉक प्रमुख होते हैं, प्रधान होते हैं, विधायक होते हैं, सांसद होते हैं जी, उनके दबाव। हाँ सर पॉलिटिकल दबाव हो सकता है लोकल लेवल पर, जो लोकल डाइवर्सिटी और जो तमाम अलग अलग ग्रुप्स हैं, मान लीजिए किसी स्थान पर अलग अलग धर्म या जनजातीय ग्रुप हैं उनकी डिमांड्स को एक साथ लेकर चल पाना ये भी एक समस्या हो सकती है। डिप्टी कलेक्टर ही आपने रखा होगा पदानुक्रम में सबसे ऊपर जी सर, प्रथम दूसरे नंबर पर सर दूसरे नंबर पर DSP रखा है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इनके कुछ कार्य बता दीजिए सर। डिप्टी कलेक्टर का डिप्टी एसपी का सर डिप्टी एसपी की नियुक्ति के समय पे वो अगर सर्किल ऑफिसर होते हैं तो उनके अंडर में कुछ थाना क्षेत्र आ सकते हैं। दूसरा सर वो पुलिस हेडक्वार्टर में भी सर्व कर सकते हैं। तीसरा सर वो किसी स्पेशल पद यानी कि STF या CID में भी उनकी नियुक्ति हो सकती है। ये तो आपने बताया कहाँ कहाँ हो सकते हैं जी, इनके कार्य तो आपने गिनाए ही नहीं। सर जो थाना क्षेत्र उनके अंतर्गत आते हैं उस एरिया के अंदर में जो भी जितने भी पुलिस कर्मचारी हैं उनका कंट्रोल या उनसे संबंधित जो भी समस्याएं होंगी मेरा मानना है कि शायद वो उसके कार्य क्षेत्र में आता है। लॉ एंड ऑर्डर का नाम नहीं ले रहे हैं आप जी सर? लॉ उस क्षेत्र में उन थाना क्षेत्रों में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना तो कमिश्नरेट सिस्टम में जी CO को जी क्या बोलते हैं, क्या डेजिग्नेशन है सर? एग्जैक्ट डेजिग्नेशन तो मैं नहीं याद कर पा रहा हूँ। चलिए ठीक है, कमिश्नरेट सिस्टम जी उस जिलों में लागू है उत्तर प्रदेश के जी सर। तो कौन सी अतिरिक्त पावर होती है ACP बोलते हैं उसको, जी सर जिसको आप CO कर रहे हैं, CO और ACP के पावर में कौन सा अंतर है सर? कौन सी वह पावर है सर CO के पास नहीं होती ACP के पास होती है? कमिश्नरेट सिस्टम के अंदर DSP के पास जो कि ACP हुए उनके पास कुछ जुडिशियल पावर्स होती हैं जो कि कमिश्नरेट सिस्टम में मजिस्ट्रेट से उसको ट्रांसफ़र करी गई हैं। सर एग्जैक्ट पावर्स मैं नहीं याद कर पा रहा हूँ। तो हमें लगता है कि कमिश्नरेट सिस्टम में जी सर अगर आपकी उस जिले में पोस्टिंग होती जहाँ ये प्रणाली लागू है जी
तो डिप्टी कलेक्टर की तुलना में डिप्टी एसपी ज्यादा अच्छा पद हुआ। सर पद को अच्छा या बुरा तो हम लोग किसी तो नहीं, इसी के आधार पर आपने से ऊपर रखा है डिप्टी कलेक्टर, दूसरे नंबर पर आपने रखा है डिप्टी एसपी। जी सर, कुछ अतिरिक्त पावर और प्रेस्टीज की जो चाहत है जी सर, यहाँ कुछ ज्यादा होगी ना उसके पास। सर मैं मान लू सर, जी सर पावर तो उसके पास ज्यादा होगी, पर प्रेस्टीज की बात जहाँ तक है वो एक इंडिविजुअल का मानना हो सकता है। डिप्टी कलेक्टर की जो अपनी पावर्स और अपनी जो 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 उसके कार्य होते हैं वो अलग होंगे। कमिश्नरेट सिस्टम में कुछ पावर्स उसकी डीएसपी के पास होंगे, तो सर उसमें उतना ही फर्क आएगा। चलिए अच्छी बात है सर। आपने तमाम आर्गुमेंट्स से जस्टिफाई करने की कोशिश किया कि सिविल सर्विसेज के लिए ज्योग्राफी बड़ा यूजफुल है। जी सर। और उस दौरान एक बात आपने कही कि ज्योग्राफी इज कॉल्ड मदर ऑफ ऑल साइंसेज। यस सर। नॉलेज का डेवलपमेंट जब हो रहा था तो काफी स्टेजेस के बाद, काफी फिलोसफर्स के बाद एक फिलोसफर हुआ अरिस्टोटल। जी सर। उसने साइंसेस को क्लासिफाई किया। जी सर। उसके पहले सारे ज्ञान को क्या कहा जाता था, कहीं इसकी हिस्ट्री देखा कभी? सर मैं अनुमान लगा रहा हूँ शायद उनको अर्थ साइंसेस कहा जाता था, पर या नेचुरल साइंसेस कहा जाता था। नहीं, ये सारे नाम अरस्तु के बाद के हैं। जी सर। उसके पहले पोएट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब फिलॉसफी नाम था उसका। जी सर। अरस्तु ने उसका क्लासिफिकेशन किया और डिफरेंट डिसिप्लिन, डिफरेंट ब्रांचेस को डेवलप किया। जी। इस आधार पर तमाम विद्वानों ने फिलॉसफी को कहा कि इट इज मदर ऑफ ऑल साइंसेस। आपने ज्योग्राफी को मदर ऑफ ऑल साइंसेस कहा तो इसका क्या है, माने आपके पास ग्राउंड क्या है, किन किन बड़े विद्वानों ने ऐसा लिखा है? सर इस संदर्भ में इमैनुअल कांत ने जो एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी की जो बात बोली है उसमें उन्होंने ये बोला था कि ज्योग्राफी एक ऐसा डिसिप्लिन है जो कि अन्य हर किसी डिसिप्लिन, जब हम किसी क्षेत्र के बारे में, किसी स्थान के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमको वहाँ पे रहने वाले लोगों के बारे में, उस स्थान के इतिहास के बारे में, वहाँ की राजनीति के बारे में और विभिन्न जो भी बातें हैं जो हम और विषयों में पढ़ते हैं उनको थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ता है। तो इस विषय में ज्योग्राफी टचेस दोज डिसिप्लिन, ये तो हो सकता है। जी सर। लेकिन माँ का काम तो केवल स्पर्श करना नहीं है। जी सर। माँ तो पैदा करने वाली को कहा जाता है ना। जी। Then in what sense geography is mother? इनसे पैदा तो नहीं हुए हैं इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स या मैथमेटिक्स और फिजिक्स। जी। ज्योग्राफी से पैदा नहीं हुए हैं। जी। ज्योग्राफी हेल्प करती है उनकी। जी। सो Can we call geography as a servant of all sciences? Sir, or a helper of all sciences? Sir, हम अगर इस बारे में सोचे तो हम हो सकता है इसको ये भी बोल सकते हैं, पर मेरे अनुसार शायद ये जो शब्दावली यूज की गई है ज्योग्राफी के लिए उसका आधार ये होगा कि ज्योग्राफी में हम पृथ्वी पर किसी स्थान के बारे में या उसकी संरचनाओं के बारे में पढ़ते हैं, तो जो भी मानने वाले होंगे उनका ये कहना हो सकता है कि अगर ज्योग्राफी में जो पढ़ रहे हैं हम चीज़ें वो हैं, उसके बाद ही अर्थशास्त्र, उसके बाद ही पॉलिटिकल साइंस, उसके बाद ही विभिन्न और विज्ञान हम पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं ज्योग्राफी सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहले। टेल मी व्हाट अबाउट पोएट्री, इज ज्योग्राफी मदर ऑफ पोएट्री आल्सो? सर मैं डायरेक्ट लिंक तो नहीं अभी सोच पा रहा हूँ। तो पोएट्री भी तो एक अपनी एक अपना एक उसका फील्ड है। जी। खैर, इमैनुअल कांट का नाम आपने लिया। जी सर। व्हाट इज हिज कंट्रीब्यूशन, व्हाट इज हिज थियरी, क्या कंट्रीब्यूशन है उनका? सर ज्योग्राफी के विषय में अगर उनका कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो उन्होंने एक्सेप्शनलिज्म की बात कही थी, और दूसरी बात उन्होंने रीजनल ज्योग्राफी पर
काफ़ी फोकस किया था कि अगर हम भूगोल विषय में कुछ चीज़ें पढ़ रहे हैं तो उसमें सबसे मुख्य ये होना चाहिए कि हम किसी एक स्थान को लें, उस स्थान को अन्य और स्थानों से भिन्न करके उसको उसकी बाउंड्री क्रिएट करें और उसमें हम जो जो भी पक्ष पढ़ना चाहते हैं जैसे रिसोर्सेज, पॉपुलेशन डाइवर्सिटी, कल्चरल चेंजेस, कल्चरल हिस्ट्री, वो हम उसको उस तरह से पढ़ें। तो कहीं ना कहीं रीजनल ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन को जो शुरुआत करने वाली बात थी वो इमैनुअल कांत ने बोली थी। इनको तो ह्यूमन ज्योग्राफी में कंट्रीब्यूट करने वाला कहा जाता है। जी सर, रीजनल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी एक ही सेंस रखते हैं या सर? ज्योग्राफी को अगर ब्रॉडली डिवाइड किया जाए तो फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी बनता है। ह्यूमन ज्योग्राफी का सब सेक्शन है रीजनल ज्योग्राफी। तो शुरुआत में ज्योग्राफी के अंडर में फिजिकल ज्योग्राफी की चीजें ही पढ़ी जाती थी। कांट के बारे में कह रहा, स्पेशली कांट को तो पढ़े नहीं होगे, कांट थ्योरी में पढ़ लिया। जी सर, कांट के बारे में कुछ खास बात ऐसी पढ़ा आपने जिस किसी किताब से भी पढ़ा हो? सर एक खास बात ये थी कि उन्होंने सबसे पहले सोलर सिस्टम की संरचना के बारे में बताया था और उन्होंने जो थ्योरी दी थी, हालांकि वो अब मान्य नहीं है, पर सबसे पहले उन्होंने इस बारे में चर्चा की थी। क्या कहा था सर? उन्होंने ये कहा था कि जो सोलर सिस्टम की उत्पत्ति हुई है वो दो स्टार से यानी बाइनरी स्टार सिस्टम से हुई है, जिसकी वजह से आज हम एक सूर्य देख पा रहे हैं। पहले ये दो सूर्य होते थे, एक सूर्य शायद अब इस समय उस सोलर सिस्टम और उस सूर्य की गुरुत्वाकर्षण की कक्षा से बाहर चला गया है और उस प्रोसेस में ही कुछ अंश छिटक के आज के प्लैनेट्स बने। इमैनुअल कांट के बारे में एक विचित्र बात ये कही जाती है कि वो जो जिस शहर में रहता था कोनिग्सबर्ग, जी, उस शहर के बाहर पूरी जिंदगी कहीं गया ही नहीं। सर इस बारे में मुझे जानकारी नहीं थी। सो ही वाज ए टफ मैन, एक ही शहर में रहा जिंदगी भर, कहीं नहीं गया। अच्छा खैर, एथिक्स आपने पढ़ा होगा इस प्रिपरेशन के दौरान। जी सर, तो कौन से ऐसे एथिकल नॉर्म्स हैं जिनको एक सिविल सर्वेंट को फॉलो करना चाहिए? सर मैं मानता हूँ कि एथिक्स में जो सात प्रिंसिपल्स बताए गए हैं जो कि एक सिविल सर्वेंट के अंदर जो गुण होने चाहिए, जैसे कि सेल्फलेसनेस, ऑब्जेक्टिविटी, ऑनेस्टी, ओपननेस, इंटीग्रिटी, इनको तो इसको सर्वोपरि रखना चाहिए। पिछली बार भी यही गिनाया था और अब भी वही गिनाया है, लेकिन आपने इम्पार्शियलिटी कहीं नहीं यूज किया। इज इट नॉट इम्पॉर्टेंट? सर मैं मिस कर गया। ट्रांसपेरेंसी नहीं यूज किया? इज इट नॉट इम्पॉर्टेंट? नो सर, वो भी इम्पॉर्टेंट है, मैं मिस कर गया था उसको बताने। हाँ बताए। हाँ तो जी, तो सर ट्रांसपेरेंसी, इम्पार्शियलिटी और एम्पैथी, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है एक सिविल सर्वेंट के परिप्रेक्ष्य से। आपने ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी और डिफेंस स्टडी के साथ एंशिएंट हिस्ट्री भी पढ़ा है? जी सर। एंशिएंट हिस्ट्री और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ा है ऐसा लिखा है। जी सर। आपको क्या लगता है कि प्राचीन भारत का कौन सा राजवंश सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भारत का इतिहास रचने में या उसका निर्माण करने में? बहुत डायनेस्टीज हुई हैं। जी सर। किसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है कल्चरल रिचनेस पैदा करने में या इकोनॉमिक रिचनेस पैदा करने में? सर एंशंट हिस्ट्री में अगर देखें तो मेरा मानना है कि मौर्य वंश का सबसे बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि काफ़ी बड़े क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी बड़ा क्षेत्र अशोक के अंडर में आता था और उस क्षेत्र की सीमाओं पर और जहाँ जहाँ भी उसका राज था वहाँ पे उसने पिलर्स या एंग्रेविंग्स करवाई। साउथ में अशोक के राज्य का विस्तार कहाँ तक था? सर राज्य का विस्तार तो मैं नहीं याद कर पा रहा हूँ, पर तमिलनाडु और केरला तक उनके द्वारा कुछ एनग्रेविंग्स मिलती हैं। नहीं वो तो जिसको कहे धार्मिक विस्तार था, वो राज्य का विस्तार नहीं था, वो तो लंका तक गए थे।
टेरिटरी के रूप में, स्टेट की टेरिटरी के रूप में समुद्रगुप्त तो अशोक से ज्यादा लंबा राज्य करते थे, लंबे एरिया में राज्य करते थे जी सर, और वो गुप्त वर्ष के थे जी सर। खैर, आर्थिक दृष्टि से किसका योगदान ज्यादा है, गुप्त वंश का या मौर्य वंश का? सर आर्थिक दृष्टि से मुझे लगता है कि गुप्त वंश का योगदान ज्यादा है, क्योंकि गुप्त वंश की बहुत सारे जो मोहर और सिक्के थे वो आज भी मिलते हैं, तो उससे ये पता, और ये भी मिलता है कि जो ट्रेड उस समय होता था उसके, इसको भी छोड़िए, ये तो सब्जेक्टिव हो सकता है जवाब, उस युग का ईसवी पूर्व वाले भारत का कोई ऐसा फिलोसोफर, ऐसा थिंकर, ऐसा पॉलिटिकल थिंकर या इकोनॉमिक थिंकर जिसके कंट्रीब्यूशंस आज भी महत्वपूर्ण हो प्रशासन के लिए, राज्य संचालन के लिए, उसका क्या नाम था? सर ईसवी पूर्व में तो चाणक्य होंगे जिनका कंट्रीब्यूशन, चाणक्य की के ग्रंथ का क्या नाम था सर? उनके उनके द्वारा लिखी गई जो उनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ अर्थशास्त्र था। अर्थशास्त्र में अर्थ शब्द क्या केवल मॉनेटरी सेंस में है, जैसे आज हम करते हैं इकोनॉमिक्स, क्या इसी अर्थ में या कुछ और अर्थ है वहां उसका? सर उनका क्या उद्देश्य था उस शब्द को यूज करने में, ये तो मुझको एग्जैक्टली नहीं पता है, पर हाँ जो ऐसा माना जाता है कि जो अर्थशास्त्र आज है जिसको कि प्योरली इकोनॉमिक्स बोलते हैं, उस ग्रंथ में उसके अलावा भी बहुत सारी बातें की गई थी, जिसमें कि पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, और राजा की क्या ड्यूटीज़ होती हैं इसके बारे में भी बताया गया था। तो जो कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स जिसको हम लोग आज बोलते हैं, उससे बाहर भी उसमें बहुत सारी बातें की गई थी। और हमारी ओर से आखिरी सवाल ये कि उनका जो सप्तांग सिद्धांत है जी सर, स्टेट जी सर, स्टेट का सिद्धांत वो क्या है, उसके दो चार शब्द गिनाइए। सर इस वक्त मैं नहीं याद कर पा रहा हूँ। मैडम आप कुछ सवाल करें। ज्योग्राफी में एक वर्ड पढ़ा होगा, एनकाउंटर किया होगा, जियो पॉलिटिक्स। जी सर, जी मैम। क्या है जियो पॉलिटिक्स? मैम जियो पॉलिटिक्स के अंतर्गत हम ये पढ़ते हैं कि विभिन्न देश और टेरिटरीज जो कि किसी भी एक देश के अराउंड हैं या उससे उनका जुड़ाव है, उनके बारे में जो भी पॉलिटिकल सेटअप है, उनमें जो पॉलिटिकल चेंजेस है, और उससे ज्योग्राफिकली वो किस तरह से रिलेटेड है, इन सब बातों की, इन सब बातों को पढ़ा जाता है। प्रभाव किसी देश विशेष की विदेश नीति पर पड़ता है? जी मैम, जियो पॉलिटिक्स विभिन्न देशों के हिसाब से अलग अलग रूप में उनके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। टेक्नोलॉजी इतनी हाईटेक हो चुकी है ना, बहुत सारी सूचनाएं ऐसी हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी हैं जी, जो टेरिटरी पे डिपेंड नहीं करती हैं जी। आपको यूएस में बैठे किसी आदमी से बात करनी है, आप यहाँ से ईमेल सेंड कर दोगे, स्काइप पे बात कर लोगे, हाँ गूगल मीट पे आप एक मीटिंग अटेंड कर सकते हो जिसमें कुछ लोग अफ्रीका के जुड़े हैं, कुछ यूरोप के जुड़े हैं, कुछ एशिया से जुड़े हैं। तो टेरिटरी यहाँ पर एक कंफाइनिंग फैक्टर नहीं रही अब जैसे पहले हुआ करते। तो अभी क्या लग रहा है कि ये जो टेरिटरी का कॉन्सेप्ट है अभी भी उसी तरीके से रेलिवेंट है, या फिर अभी ये खत्म हो चुका है टेरिटरी वाला कॉन्सेप्ट, उसकी जगह पे आईटी ने बहुत सारी चीज़ों को रिप्लेस कर दिया है? मैम आईटी की जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ी है, और जहाँ तक टेरिटरी की बात है तो उसका उसको मानने का स्वरूप बदला है, बट उसका आज भी बहुत इम्पोर्टेंस है। जैसे कि हम किसी दूर देश में बैठे कम्युनिकेट तो कर सकते हैं, पर अगर भारत के जो भारत में सामान आता है, जो चीज़ इम्पोर्ट होती है, अगर वो किसी एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट से आती है, जैसे कि अगर स्टेट ऑफ मलक्का से आती है, तो अगर वो वहाँ पर ट्रेड फ्री नहीं रहेगा, वो वहाँ पर ओपन पॉलिसी नहीं रहेगी, तो भारत के निवासियों को दिक्कत हो सकती है। उसी प्रकार रेड सी हो गया, उसी प्रकार स्विस कैनाल हो गया, तो जियोपॉलिटिक्स में कनेक्टिविटी और ट्रेड आज के समय में बहुत इम्पोर्टेंट है। कौटिल्य के ऊपर वापस आते हैं जी, कौटिल्य ने मंडल थियरी दी थी, पढ़ा है इसके बारे में? नहीं मैम। चलो कोई बात नहीं है। अच्छा
सवाल ध्यान से सुनना जी, ठीक है। इक्वेटर इंडिया के कौन कौन से स्टेट से होकर के गुजरती है, सवाल पे ध्यान देना, ठीक है। कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरती है मैम? इक्वेटर इंडिया के किसी भी स्टेट से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, फिर कौन सी रेखा होकर गुजरती है मैम? जो एक मुख्य लैटिट्यूड है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हाँ, कौन कौन से स्टेट को टच करते हो जाती है मैम? वो स्टेट है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम और त्रिपुरा। अच्छा, जैसे ज्योग्राफी के लिहाज से देखा जाए जी, तो नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया एंड देन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया बहुत सारे मायनों में ये एक दूसरे से अलग हैं जी। चाहे फूड हैबिट की बात हो, ड्रेस कल्चर की बात हो, पास्ट की बात हो, हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस सबके अलग अलग हैं। तो एक दो वर्ड सुने होंगे आपने, नेशन और नेशन स्टेट। इंडियन स्टेट के बारे में कहा जाता है कि इन इंडिया एवरी स्टेट हैज अ पोटेंशियल टू इमर्ज एज अ सेपरेट नेशन। कई मायनों में ऐसा लगता है कि अगर एक भाषा बोली जाने लगी, एक प्रकार का कल्चर बनाया जाने लगे, तो भारत एक स्ट्रांग स्टेट के रूप में, स्टेट से मेरा मतलब है देश के रूप में उभर सकता है। आपको नहीं लगता ऐसा? ये सारी डाइवर्सिटीज को एक किनारे कर दिया जाए, एक होमोजेनस कल्चर की बात करी जाए जिसमें नॉर्थ साउथ जैसा कोई डिवाइड ना हो, नॉर्थ ईस्ट जैसा डिवाइड ना हो, वेस्टर्न पार्ट का कोई डिवाइड ना हो, एक होमोजेनस कल्चर की बात करी जाए। मैम, मेरा ये मानना है कि भारत जब से आज़ाद हुआ है तो जो भी डाइवर्सिटीज उसमें थी, जैसे कि ट्राइबल हो गई, रीजनल हो गई या किसी भी प्रकार की डाइवर्सिटी हो गई, वो उसके इतिहास में बहुत पुराने समय से रही है। और भारत पूरे विश्व में एक एग्जाम्पल है इस ऐसे देश का जहाँ पे इतनी डाइवर्सिटी है। जब भारत की आज़ादी हुई थी तो बहुत सारे वेस्टर्न थिंकर्स का ये मानना था कि बहुत जल्द ही भारत का विभाजन हो जाएगा, पर भारत आज भी एक सफल राष्ट्र के रूप में चल रहा है और सारे जो भी राज्य हैं और जो भी क्षेत्र हैं वो भारत की प्रगति में अपना योगदान दे रहे हैं। तो लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि इस डाइवर्सिटी की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों को एक अलग स्टेट चाहिए और इंडिया के डिफरेंट पार्ट से ऐसी डिमांड्स उठती भी रही हैं, पास्ट में भी, अभी भी। तो क्यों ना एक भाषा बना दिया जाए और उसी भाषा के प्रमोशन की बात की जाए। एडमिनिस्ट्रेटिवली ये एक कन्वीनियंट स्टेप होगा। मैम, अगर सिर्फ विभाजन की मांग की बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये अंडर डेवलपमेंट से निकलती हैं। तो नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप सोचो, मान लो कि आपका SDM हो जाता है जी, ठीक है, फिर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा आप किसी ऑफिशियल काम के लिए तमिलनाडु भेजे जाते हैं, तमिलनाडु में हिंदी बोलने वाले कितने लोग आपको मिलेंगे? अब अगर मैं अपनी पिछली वाली बात को ही कंटिन्यू करूं कि हिंदी भाषा ही पूरे देश में कंटिन्यूएशन में हो जाए, तो आपके लिए तो आसानी हो जाएगी कि आपको तमिलनाडु भेजा जाए, केरला भेजा जाए या फिर तेलंगाना भेजा जाए। आप हिंदी भाषा में इधर भी बोल रहे हैं, यूपी में काम करते हुए उधर तेलंगाना में भी आपका काम चल जा रहा है अच्छे से। मैम, इसमें मुझको तो आसानी होगी, पर अगर इसी के सामने हम देखेंगे, अगर तमिलनाडु से कोई उत्तर प्रदेश में आता है तो उसको वो दोनों ही, अब तो उसकी जो मातृभाषा थी जिसको वो लेके बड़ा हुआ है, जो उसने पढ़ा है, वो उसको ना ही अपने राज्य में मिलेगी ना ही कहीं और मिलेगी। तो अगर देश की एकता को हम बना के रखना चाहते हैं तो उसमें जो डाइवर्सिटी है उसका सम्मान करते हुए ही हम इस काम को कर सकते हैं। और पिछले आज़ादी के बाद से जितना भी समय रहा है उसमें इस अपने संविधान के द्वारा और तमाम पॉलिसीज के द्वारा इस चीज को सुनिश्चित किया गया है। चलो ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं कि आप इस डाइवर्सिटी को बनाए रखेंगे, गिवन द फैक्ट इट इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। ठीक है, कोई बात नहीं, हम इस फैक्ट के साथ ओके हैं। इंडिया और श्रीलंका के बीच में प्रमुख विवाद क्या क्या है? मैम, इंडिया और श्रीलंका के बीच में आज के समय में जो प्रमुख विवाद है वो ये है कि श्रीलंका में ऐसा माना जाता है, एक पॉलिटिकल फैक्शन है जो ये मानता है कि भारत साउथ एशिया में एक डोमिनेंट कंट्री के रूप में उभर रहा है जिसमें कि श्रीलंका के इंटरेस्ट खतरे में आ सकते हैं। तो एक तो विवाद की जड़ ये हो गई। दूसरी ये है कि श्रीलंका में जो रहने वाले तमिल जनसंख्या है
वो श्रीलंकन संविधान में उनकी हमेशा से ज़्यादा राइट्स की मांग रही है। तो भारत में क्योंकि तमिलनाडु राज्य है तो उससे वो अपने आप को कल्चरली उन लोगों से जुड़ा हुआ देखते हैं, तो वो भी वो एक ऐसा एस्पेक्ट है जो कि विवाद की जड़ रहा है। और मैम थर्ड जो पिछले कुछ सालों में इमर्ज हुआ है वो है चाइना का जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की जो नीति रही है उसके चलते उसने श्रीलंका में बहुत सारे पोर्ट और रीजन को डेवलप करने के लिए पॉलिसीज बनाई हैं। तो इससे इसमें भी भारत का ये मानना है कि श्रीलंका क्योंकि साउथ एशिया का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है तो श्रीलंका माफ कीजिएगा चाइना का बढ़ता हुआ वर्चस्व विवाद पैदा कर सकता है। ठीक है, लास्ट सवाल जी, भारत की जो लैंड बाउंड्री है जी, सबसे ज्यादा किस नेबरिंग कंट्री के साथ में है? मैम सबसे ज्यादा लेंथ बांग्लादेश के साथ। श्योर, मुझे तो लग रहा है पाकिस्तान होना चाहिए, पाकिस्तान तो मुझे ऐसा लग रहा है। आर यू श्योर विद दिस फैक्ट? मैम आई थिंक आई एम श्योर कि बांग्लादेश के साथ सबसे मिनिमम किसके साथ में? मिनिमम अफगानिस्तान के साथ। ठीक, ओके। उत्तर प्रदेश की सीमा पर कोई समुद्र तो है नहीं? नहीं सर। एक बीच है यहाँ पर जिसको बीच विदाउट सी के नाम से जानते हैं उत्तर प्रदेश में, बता सकते हैं कौन सा बीच है? सर मुझे नहीं जानकारी। बीच तो समुद्र के किनारे होता है जी सर। चूका बीच का नाम सुना है आपने? सर नाम सुना है पर मैं इस वक्त याद नहीं कर पा रहा हूँ। पीलीभीत टाइगर रिजर्व तो पता होगा जी सर, बस वहीं ये भी स्थित है। अच्छा, फिर तो आपको यही नहीं आइडिया होगा कि ये बीच कहाँ बना है, किस नदी के किनारे बना है? नहीं सर मुझको इस बारे में जानकारी। अच्छा ठीक है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व की लोकेशन बता सकते हैं? बस ऐसे किन जिलों को ये टच करता है या किस किन जिलों में स्थित है? एक से ज्यादा जिले में है, एक तो नाम से स्पष्ट है पीलीभीत जी, दूसरा जिला कौन सा है? सर मुझे याद नहीं है सर। कौन सा जंगल यहाँ पर मौजूद है, किस वृक्ष का जंगल, किस पीलीभीत टाइगर रिजर्व जंगल है जी, सफारी है जी, तो जंगल में कौन से पेड़ हैं? सर जैसा कि मैं याद कर पा रहा हूँ वहाँ पे तराई रीजन है तो उस टाइप के मिट्टी और क्लाइमेट से जुड़े हुए वृक्ष होने चाहिए। साल का जंगल है जी। चलिए वहीं पर एक पार्क है, शहीद सुरेंद्र सिंह पार्क जी, कहाँ स्थित है? सर मुझे जानकारी नहीं इस बारे में। उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी आपने नहीं पढ़ा, आप तो ये सिलेबस में है आपके, है पाँचवा छठा पेपर जी सर। शहीद सुरेंद्र सिंह पार्क पूरनपुर एक तहसील है पीलीभीत जी, वहाँ स्थित है। अखबार तो पढ़ते होंगे जी, कौन सा अखबार पढ़ते हैं? सर हिंदी में हिंदुस्तान। ठीक है, अंग्रेजी का भी कोई अखबार पढ़ते हैं? सर अंग्रेजी का अखबार मैं द हिंदू पढ़ता हूँ पर उसको रेगुलरली नहीं पढ़ता हूँ। हाँ, हिंदी में आपने हिंदुस्तान कहा तो फिर लगा कि आगे अंग्रेजी में कुछ आप पढ़ते होंगे जी। तो चलिए अखबार से संबंधित कुछ एक खबर हम लोग ले लेते हैं। नामोफोबिया क्या है? सर नामोफोबिया, हाँ सर इसका एग्जैक्ट अर्थ तो मुझको नहीं पता है पर मुझे लगता है कि ये किसी एक स्पेसिफिक व्यक्ति विशेष या किसी के बारे में? नहीं नहीं, ये नो मोबाइल फोबिया है और हिंदुस्तान में ही ये खबर छपी है जी। सर नोमोफोबिया है, मुझे याद है, नो मोबाइल फोबिया जी। क्या है ये? सर ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसको कई डॉक्टरों ने या कई संस्थाओं ने ऐसा बताया इसके बारे में कि जो लोग बहुत मोबाइल का अपने उपयोग करते हैं अगर किसी कारणवश या किसी समय वो अपने फ़ोन से दूर रहते हैं
तो उस वक्त उनको असहज महसूस होने लगता है, जैसे कि अगर उनके फ़ोन की बैटरी डाउन हो गई, फ़ोन ऑफ हो गया, या किसी वश उनका फ़ोन उनसे दूर है, तो उनको अनकम्फर्टेबल फील होने लगता है। मोबाइल की लत लग गई, केवल अनकम्फर्टेबल लगता है या फिर और दिक्कतें हो जाती हैं? सर इसके बारे में एग्जैक्ट सिम्टम तो मुझे नहीं पता, पर ये मैंने सुना था कि इसके वो लोग स्मार्टफोन से जी एक विजन सिंड्रोम होता है जिसको बोलते हैं स्मार्टफोन विजन सिंड्रोम। सर मुझे जानकारी नहीं है। विजन मतलब आंख से संबंधित होगा जी, तो नहीं आइडिया है सर मुझे इसके बारे में, एग्जैक्ट आइडिया नहीं, मैं अनुमान लगा सकता हूँ, पर बताइए सर शायद जो कि एक मोबाइल स्क्रीन पर बहुत समय जोर देने पर और उसको लगातार घंटों देखने पर शायद आई साइट की प्रॉब्लम हो सकती है, तो मुझे लगता है शायद ड्राइनेस आती है, आ सकती है। मोबाइल से सबसे बड़ा खतरा कौन सा है सर? अगर सबसे बड़ा और स्थापित रूप से देखा जाए तो कुछ ऐसे घटनाएं हुई जिसमें बैटरी जो फ़ोन की होती हैं उसमें ब्लास्ट हो जाता है। पूर्व में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई थी तो जिसमें कुछ लोगों की जानें भी गई हैं, बहुत लोग इंजर्ड भी हुए, तो सबसे बड़ा खतरा तो अब फिलहाल मुझे लगता है यही। चलिए जरा बता दीजिए आपकी सबसे अमीर व्यक्ति इस समय भारत के कौन है? सर इस समय सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी जी है। इसके पहले कौन थे? सर इसके पहले शायद मुकेश अंबानी जी थे शायद। अच्छा, उत्तर प्रदेश के सबसे अमीर व्यक्ति का नाम? सर मुझे ज्ञात नहीं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा गांव? सर मुझे याद नहीं। सबसे छोटा गांव? सर नहीं याद। चलिए आपके विषय पर आते हैं, जीआई टैग। जी सर। पढ़ाई होगा आप? जी सर। अभी लाल चींटी की चटनी को मिला है जीआई टैग रिसेंटली। जी सर। बताइए उसके बारे में। सर मैंने पढ़ा था इसके बारे में पर मुझे याद नहीं, और किस स्थान से जुड़ा हुआ है वो भी अभी उस समय में नहीं याद कर पा रहा हूँ। अच्छा, जीआई टैग मिलने के फायदे क्या है? सर जीआई टैग मिलने के फायदे ये हैं कि किसी स्थान से जुड़ी हुई जो विशेष वस्तु है जिसको जीआई टैग दिया गया है तो उस नाम से उसका उत्पादन किसी और अन्य क्षेत्र के लोग नहीं कर सकते, और इसकी वजह से जो भी आर्थिक लाभ होगा वो उस स्थान के लोगों को ही जाएगा। हाँ, तो उड़ीसा के मयूरभंज जिले में ये लाल चींटी की चटनी को मिला है। पता तो नहीं होगा, आप गेस कर सकते हैं क्या लाल चींटी की चटनी में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? सर मैं गेस कर सकता हूँ कि लाल चींटी में फॉर्मिक एसिड होता है जो कि शायद उसमें पाया जाता हो। और तत्व में तो फॉर्मिक एसिड कहीं लिखा मिलता नहीं? नहीं सर। सर शायद प्रोटीन हो सकता है। हाँ, प्रोटीन होता है, इसके अतिरिक्त और कई चीजें होती हैं। विटामिन कौन सा होता होगा इसमें? सर मैं अनुमान नहीं लगा पा रहा हूँ। अयोध्या पर आते हैं जरा, प्रतिष्ठा होने जा रही है। जी सर। कब होगी? सर 22 जनवरी 2024। इसके लिए अनुष्ठान कब से प्रारंभ हो रहे हैं? सर एग्जैक्ट डेट तो मुझे नहीं पता है। 16 तारीख को जी। और कौन कौन सी डिग्निटीज वहाँ गर्भगृह में मौजूद रहेंगी 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के समय? सर मुझे एग्जैक्टली तो नहीं याद है, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी रहेंगे। ये दो लोग तो रहेंगे ही जी। प्रधानमंत्री जी ऐसे किसी मौके से चुपते तो हैं नहीं जी। उनको रहना है, इनके अतिरिक्त 3 और लोग हैं, कुल 5 लोग हैं जी। तो बता सकते हैं तो बताइए, गेस कर सकते हैं तो गेस कीजिए। सर मेरा अनुमान है शायद गृह मंत्री श्री अमित शाह जी होंगे, और सर मैं उसके अलावा मैं अनुमान नहीं लगा पा रहा हूं। अनुमान आपका गलत है जी। अब फिर ये बता दीजिए, दुनिया में सबसे ज्यादा सैलरी जी कौन सा देश देता है? सर औसत सैलरी की बात कर रहे हैं? हाँ सर शायद स्विट्जरलैंड देता है। हाँ ठीक है,
उत्तर प्रदेश में जी, या फिर ऐसे हाँ ठीक है मनरेगा में जी, पर डे कितना हम लोग किसी एक श्रमिक को भुगतान करते हैं, सरकार करती है जी। सर मुझे ये पता है कि विभिन्न राज्यों में ये संख्या अलग अलग है, पर उत्तर राज्य एग्जैक्ट मुझको नहीं याद है सर। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। थैंक यू सर, जा सकते हैं। थैंक यू। कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा लगा। कैसा रहा इंटरव्यू आपका? सर कुछ ऑब्जेक्टिव चीज़ें मुझे नहीं पता थी, जैसे कि आपने उत्तर प्रदेश के भूगोल के बारे में जो सवाल पूछे पीलीभीत, वो कोई बात नहीं। इसके अलावा सर मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था इंटरव्यू का। सर मुझे अच्छा लगा इंटरव्यू। अच्छा लगा जी। आप एक अच्छे कैंडिडेट हैं। अच्छे नहीं, बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं। अच्छा अंक आपको मिलेगा इंटरव्यू में। अब दारोमदार है कि मेंस में आपने कैसा किया है सर, लेकिन कुछ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश तो हमेशा रह जाती है। जो इंटरव्यू का फर्स्ट विजिट इंट्री आपने किया अच्छा लगा, अभिवादन भी अच्छा था। हम लोग ये सलाह देते हैं कि बोर्ड को एक बार में अभिवादन करने की जरूरत है। चार लोग वहाँ बैठे होंगे, चार लोगों को अलग अलग करने की जरूरत नहीं। ठीक सर। एक बार में पूरे बोर्ड को आप अभिवादन कीजिए, जो भी बोलते हों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जो भी आप बोले। कोई महिला सदस्य हैं तो आप चाहें तो एक बार उनको अलग से कर लीजिए। एक गलती आप कर बैठे हैं जी। बैठने के लिए आपको कहा नहीं गया है जी सर, आप बैठ गए हैं सर। अच्छा, आपने नोटिस में सर वो रियलाइज करा था मैंने, पर उस हाँ कोई बात नहीं, मतलब कुछ ऐसा बड़ा फ्ला नहीं, लेकिन ये है कि ये फर्स्ट मिनट बहुत स्ट्रांग ये अपने हाथ में होता है सर। तो इस कंडीशन में मुझे क्या करना चाहिए था जो उचित होता? ना ना, आप जैसे आए तो थमते, थोड़ा रुकते जी सर। हालांकि अमूमन तुरंत कह दिया जाता है बैठने के लिए, कभी कभी मन में आता है जी वेट करा दे जरा, देखें कि आप क्या करते हैं। ठीक, आप आए और बैठ गए तो थोड़ा कासा सा ये जो मेंटल अलर्टनेस वाला जो एक पर्सनालिटी टेस्ट मार्किंग की बात होती है, तो बोर्ड मेंबर चेयरमैन समझ जाते हैं कि ये रह गया, अलर्ट नहीं है मेंटली, आप रह गए। आप तो सोच के आए होंगे कि कहा जाएगा तभी बैठेंगे, ये थोड़ा ध्यान दीजिए इस पर। ठीक सर। इंट्रोडक्टिव फेज आपका बिल्कुल बढ़िया था, आपने ठीक बताया ज्योग्राफी एडमिनिस्ट्रेशन ये सब चीज़ें बिल्कुल बढ़िया थी। जो मिडिल फेज था उसमें भी सारे मेंबर्स संतुष्ट हैं कि आपने ठीक किया। फाइनल फेज में जो ऑब्जेक्टिव सवाल कुछ पूछे गए तो ही बोर्ड की स्ट्रेटजी होती, हो सकता वहाँ पूछे, हो सकता ना पूछे, डिपेंड करता है कैसे लोग बैठे हैं। तो अगर नहीं बता पाए तो जाते समय एनर्जी लेवल कम नहीं होना चाहिए। ठीक सर। एक बार में पूरे बोर्ड को थैंक यू बोल करके उन्हीं सधे हुए कदमों से लौटिए जिन सधे हुए कदमों से आप आए थे। ठीक सर। ये हो गया। ऐसे जो थोड़ी सलाह देने वाली बात है कि आप एक इतने अच्छे कैंडिडेट हैं, कैंडिडेचर आपका अच्छा है, तो कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा लो दिख रहा था पूरे इंटरव्यू के दरमियान। ठीक सर। शुरू में थोड़ा कम था, बाद में आपने बढ़ा दिखा, लेकिन उतना नहीं बढ़ा जितना बढ़ना चाहिए था, जबकि आप अच्छे कैंडिडेट हैं, बता ठीक रहे थे। ठीक सर। ये देख लीजिए कि ऐसा क्यों हुआ, ना हो तो अच्छी बात है। एनर्जी लेवल चेहरे पर थोड़ा बढ़ा रहे, तो ये जो अच्छी पर्सनालिटी आपके अच्छे व्यक्तित्व के मालिक आप हैं, इसमें और चार चांद लग जाएगा। ठीक सर, ध्यान रखूंगा। हाँ बस सर, और सब्जेक्ट या जो भी आपने प्रश्न पूछे उससे रिलेटेड कुछ सलाह? कोई सलाह नहीं, आप जिन सवालों को उत्तर ना आए जी उस पर आप, हो सकता है यहाँ जो पूछे गए इसमें दो चार सवाल मिल जाए, हो सकता है एक भी सवाल वहाँ पे नहीं मिले। बिल्कुल हो सकता है। कोई लिमिट तो है नहीं, कौन कहाँ से पूछेगा, क्या पूछेगा जी। जिसके जो मन में आता है पूछता है जी। हाँ, जो अखबारों में खबरें छपती हैं
राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, तो सब लोग पढ़ते हैं अखबार, तो आउट हुए सवाल है, तो उन पे पकड़ बना करके जाना चाहिए। ठीक सर, बाकी थोड़ा अयोध्या देख लीजिए। जी सर, अयोध्या रोज अखबार में छप रहा है। सर, जैसे कोई प्रश्न एकदम सारी बोलिए, नहीं आता सारी बोलिए, तो सारी बोलना नहीं, नहीं सर, जैसे अगर अगर ऐसा हुआ कि कोई प्रश्न किसी ने मुझसे पूछा और शुरुआत में 10 सेकंड या 5 सेकंड मुझको ऐसा लगा कि मुझे इसका उत्तर नहीं आता है, पर एकदम से अगर क्लिक कर गया, तो क्या मैं अपना स्टैंड बदलूं या उसको छोड़ दूं? नहीं, स्टैंड बदलने से क्या ऐसा है, जैसे कि अगर मान लिया आपने प्रश्न पूछा, मैंने बोला सर मुझको इसके बारे में जानकारी नहीं है, मुझको याद नहीं आ रहा है। देखिए, प्रश्न ध्यान से बिल्कुल सुनिए, उस समय ध्यान भटकना नहीं चाहिए। जी, जब प्रश्न हम ध्यान से सुनते हैं ना, तो उत्तर प्रश्न पूछने के साथ बन रहा होता है। जी जी, तो हम क्विक रिस्पॉन्स कर पाते हैं। जी सर, और अगर प्रश्न पूछने पर हमारा कंसंट्रेशन 100% नहीं है जी, पूछने वाले पर जी, तो फिर थोड़ा हम लोग गड़बड़ाते हैं जी। इसके बावजूद आपको 2-4-5 सेकंड 10 सेकंड आप सोच के जवाब दे सकते हैं जी सर, उसमें कोई हर्ज नहीं है, बल्कि 10 सेकंड का पास जरूर देना चाहिए। जरूर देना चाहिए। हमने पूछा, आपने कहा सॉरी सर, और फिर 2 सेकंड बाद आपको याद आ गया, तो कहे एक्सक्यूज मी सर, मैं बता सकता हूँ, तो वो भद्दा लगेगा। इसलिए 10 सेकंड आप इंतजार करके तब सॉरी कहिए या जवाब दीजिए। जैसे इक्वेटर वाला सवाल था, यूट्यूब का पॉज, मैंने बोला कि क्वेश्चन सही से सुनना, यूट्यूब का पॉज, देन यू रिस्पोंडेड, वही बात हम लोग करें। बाकी जो ऑर्नामेंट है, अपीयरेंस के लेवल पर आप बिल्कुल ठीक है, कंसिस्टेंसी के लेवल पर, अप्रोच आपका ठीक है, लीडरशिप क्वालिटी आपने दिखती है, तो ऐसा फ्लॉ आपके व्यक्तित्व में है नहीं, तो अच्छा अंक आपको मिलेगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।